बहुत देर से बहुत सारे क्रिकेट फैंस आप सबका इसरार था कि मैं वसीम राजा अपने बड़े भाई के बारे में कुछ चीजें शेयर करूं, और मैं हमेशा से हिचकिचाता रहा, इसलिए कि मैं समझता था कि भाई के बारे में या उनकी तारीफ में करूंगा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, इमोशनल होने का भी खतरा था, और फिर ये कि अपने भाई की तारीफ करूं तो कैसा लगूंगा। मगर ये प्योरली फ्रॉम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आप लोगों का बिल्कुल हक है कि वसीम राजा के मुतल्लिक मैं कुछ आपको बातें बताऊं। और 3 जुलाई उनकी बर्थडे है, 2006 में वो हमसे बिछड़ गए थे, बहुत यंग एज में 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया क्रिकेट फील्ड पे जब वो खेल रहे थे ओवर 50s का मैच। मगर अगर आप किसी से भी बात करेंगे वसीम राजा के बारे में तो वो सब यही कहेंगे कि सही राजा था यार वो, और दोस्तों का दोस्त, और क्रिकेट फील्ड में अपने हिसाब से क्रिकेट खेलने वाले, अपनी टर्म्स पे क्रिकेट खेलने वाले वो शायद वाहिद ही पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, क्योंकि पीआर पे भरोसा नहीं किया उन्होंने सारी जिंदगी, हिपोक्रेट नहीं थे, जो बात होती थी वो तड़क करके मुंह पे करते थे, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे, और इसी वजह से हर वक्त उनको अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता था क्योंकि किसी कैंप में नहीं थे वो, और डंके की चोट पे वो क्रिकेट खेले और इसी वजह से शायद वो लोगों में मकबूल रहे। उनका जो गेम था वो लोगों के लिए बना हुआ था, यानी कि आजकल की T20 क्रिकेट के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, और एक उनका शानदार रिकॉर्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग है, जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता, दुनिया में एक सीरीज में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब वेस्ट इंडीज अपनी पीक पे थी 77 की सीरीज में, इन्होंने शायद 500 से ज़्यादा रन किए उस सीरीज में, और अपना लोहा मनवाया। स्पिन को अच्छा खेलते थे, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते थे, ये तो क्रिकेटिंग खैर उनकी बातें हैं, मगर मुझे तो उन्होंने हर तरह से एक तरह से शील्ड भी किया, समझाया भी, यू नो हम दोनों का क्रिकेट का पहला टूर जब था तो बहुत प्रोटेक्टिव थे, मेरे ये रूममेट बन गए, और हर जगह पे जैसे कि वालिद होता है उस तरह से मुझे कोचिंग शुरू कर दी उन्होंने ऑन एंड ऑफ द फील्ड, तो मैं थोड़ा सा तंग भी पड़ गया है क्योंकि मैं यानी कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कमरे में ऑर्डर नहीं कर सकता था, उस वक्त 2 प्लेयर्स एक कमरे में ठहरते थे, फिर तूने घर बात की, फ़ोन किया, ये किया, ये कैसे कपड़े पहने हैं, टाइम पे वापस आ जाएं, यू नो सो मैं तू तड़ाक से बात करता था, इसलिए बड़ी अजीब थी। हमारे घर में मेरे जो मम एंड डैड थे वो हमसे पंजाबी बोलते थे और हम जवाब उर्दू में देते थे, और भाई भाई था, यानी कि कहता था भाई तेरा क्या हाल है, भाई तू कैसा है, सो वो इस तरह से हम बात करते थे। तो फिर मैं मैनेजर के पास गया, ये न्यूजीलैंड की बात है, मैंने कहा सर ये देखें ये मेरे भाई से बचा लें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर सकता हूँ ना लंच ऑर्डर कर सकता हूँ, हर चीज़ वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है, मेरी उम्र के लड़के हैं इस टूर पे, मुझे उनका रूममेट बना दें, कहते हैं तेरे प्राणों में दस देंगे, मैं कहा ये ना करना क्योंकि फिर मेरी हजामत हो जाएगी। तो इमोशनल भी थे वसीम राजा, मगर नहायत प्यार करने वाला इंसान था, इसलिए जो उनका एक दफ़ा दोस्त बन गया या जिसने उनके साथ मुलाकात कर ली वो उनका गर्विदा हो जाता था, वो फ्रेंड फॉर लाइफ बन जाता था। और फिर जिस तरह से वो खेलते थे, मुझे याद है जब 73 में ये टेस्ट मैच खेले तो 70s में बहुत कम टेस्ट प्लेयर होते थे, गिने चुने, सो हर एक को टेस्ट प्लेयर का नाम पता था, और उस टीम में घुसना जहां पे 12 में से 11 आपके प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते थे, एक लोकल टैलेंट को जगह मिलना इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी, मगर इन्होंने अपनी जगह बनाई और अपने जोर बाजू पे जगह बनाई, जैसे मैंने कहा कि इसीलिए जब भी इनकी परफॉर्मेंस 19-20 होती थी सबसे पहले वसीम राजा बाहर हो जाते थे क्योंकि किसी कैंप में नहीं थे। मगर मेरे वालिद की ख्वाहिश यही थी कि कोई बच्चा उनका टेस्ट प्लेयर बने, तो इन पे खास उन्होंने नजर रखी हुई थी। मेरे वालिद फर्स्ट क्लास खेलते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी क्रिकेट खेलते रहे गुजरांवाला से, उनका ज्यादा फोकस वसीम राजा पे था। और सब जब मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं तो चुंगे में ऐसे ही बन गया वसीम राजा को देख देख के टेस्ट प्लेयर, क्योंकि सही जिस पे मेहनत की मेरे वालिद ने वो मेरे भाई पे की, मगर गुस्सा बहुत आता था मेरे वालिद को जब ये ऊंची शॉट मार के आउट हो जाता था, और ऊंची शॉट वसीम राजा के DNA में थी, लोगों ने कहना राजा छक्का और ढम करके भाई ने छक्का मार देना, और परवाह किए बगैर के 90 पे खेल रहा है या 10 पे खेल रहा है, स्पिनर को देखते ही आंखों में खून उतर आता था जैसे, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलता था, भारत के खिलाफ रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है टेस्ट मैचेस में, और फिर ये कि लाइफ अपनी खूब मजे के साथ मनाई है। उस जमाने में अर्ली 70s में मैं
शेयर हम कमरा करते थे घर में, सो वो दूसरा वाला फ़ोन होता था जो कि आपका नंबर घुमा के करना पड़ता था, और ये सारी रात जो है मेरे ख्याल से ख्वातीन से बातें करता था। तो एक दिन मैं उठ के अम्मी के पास चला गया, मैंने कहा अम्मी मैंने इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे नींद नहीं आती। तो फिर इसने मुझे डांटा कि तूने शिकायत लगा दी मेरी। तो मगर दो जो प्लेयर्स थे पॉपुलर थे उस ज़माने में अपनी समझ लें खूबसूरती की वजह से या पर्सनैलिटी की वजह से, एक इमरान खान थे और एक वसीम राजा थे, और दोनों की बेइंतहा ख्वातीन में फ़ैन फॉलोइंग थी। बहुत देर लगती थी इनको तैयार होने में, मैं देखता था वो हेयर ड्रायर चलाना शुरू करते थे, सो वो चलता था कोई आधा घंटा 40 मिनट, और एक एक जो बाल का हिस्सा है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर रहा होता। तो मैं कहता भाई इतनी देर है तेरे बाल उड़ जाएंगे, तो मुझे गाली फिर पड़ती थी कि तेरे बाल ऊपर कैसे ये खड़े हुए। मैंने कहा मेरे बाल अभी हैं। सो मगर ये कि भाइयों का भी मतलब जितना प्यार मुझे दिया इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं क्रिकेट के फील्ड पे हुआ ये कि मेरा पहला वनडे मैच था न्यूजीलैंड में, और मैं कोई 7वें नंबर पे था बैटिंग कर रहा और ये 6ठे नंबर पे था, तो हम दोनों बैटिंग करने आए। सो वो रन रेट चाहिए था कोई 6.5, उस ज़माने में 6.5 बहुत रन रेट था, ये 85 की मैं बात करूँ। सो मुझे जाके कहता है कि देख प्रेशर में नहीं आना, तो चांस अभी नहीं लेना, मैं चांस लूँगा। सो अपना अभी भी ओवर्स पड़े हुए हैं, तो तहमल आराम से खेली। सो ऐसा ही हुआ, 2-3 बॉलों के बाद हिट मारी, आउट हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि सेक्रीफाइस उस वक्त मतलब कर दी, पता था कि मैं पहला मैच खेल रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्ट और शील्ड करने के लिए मैंने 85 स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच बना, मैच तो हार गए मगर मुझे ये सेक्रीफाइस हमेशा वसीम की याद रहती है। और फिर लाहौर जिमखाना जाना, वहाँ पे बिलियर्ड्स खेलना और अपने यारों दोस्तों के साथ इवनिंग गुजारना। फिर जो लीग क्रिकेट उस वक्त बहुत खेली, वहाँ के जो हैं शॉर्टली ब्रिज के जितने भी मेंबर्स थे वो इसके गर्विदा थे, फ़ैन थे, जहाँ जाता था ये फैंस बना लेता था, और टैलेंट बेइंतहा था। जब हम फ्लैट में रहते थे 137 P गुलबर्ग 2, मुझे अभी तक एड्रेस याद है, सामने ही वो सर्विस की क्रिकेट ग्राउंड होती थी। सो मैं छोटा सा था, मैं भी जाता था बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि जब राजा बैटिंग कर रहा होता था तो सारा जैसे गुलबर्ग वहाँ पर उस ग्राउंड में आ जाता था, और जे छक्के, इतने बड़े बड़े छक्के, हालांकि बिल्कुल पतली सी फिजीक थी वसीम की। जब डेथ हुई तो मुझे याद है कि 2-3 दिन पहले ही उसने ऑर्डर की थी अपनी ट्राउजर, 32 वेस्ट की ट्राउजर थी उसकी। सो फिट इंसान रहा थ्रू आउट, और दाढ़ी जो थी वो बहुत लोगों को पसंद आती थी, कूल कैट राजा भी इनको कहते थे। और जिस अंदाज से खैर ये खेलते थे वो अंदाज लासानी है। मुझे अफसोस यही होता है कि प्रेजेंट जेनरेशन ने उनको बहुत कम देखा, या वीडियोस के थ्रू शायद कभी कभार देख लिया हो, मगर अगर वो आजकल खेल रहे होते तो मुआजना उनका शायद आपके जितने टॉप के T20 के हिटर्स हैं उनमें होता। सो मुझे बहुत याद आते हैं, खैर क्यों नहीं आएंगे। उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी ब्राउन थी, मुझे क्योंकि मेरी माँ की तरह की थी, हमारी तो शक्ल उनके हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मार्ट इंसान थे और पढ़े लिखे थे, और जैसे मैंने कहा कि हिपोक्रेट नहीं थे, उनकी बहुत बड़ी खूबी यही थी। और मुझे डर ही लगा रहता था कि अब इसकी लड़ाई हुई, कि अब लड़ाई हुई, सो मैं थोड़ा सा ठंडा रखता था। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि नहायत ही शफीक, नहायत ही शानदार इंसान, दोस्तों के दोस्त, और एक दफ़ा अगर आप मिल गए वसीम राजा को तो फिर आप कभी उनसे दूर नहीं जा सकते थे, इस तरह की पुरकशिश किस्म की वो पर्सनैलिटी थी।